स्वागत है वैशाली जी आपका। नमस्कार। यहाँ पर मेरा पहला क्वेश्चन यही है कि अगर हम यहाँ पर बात करते हैं किसी भी फैक्ट्री की, किसी भी इंडस्ट्री की, हम बड़ी मेहनत से लगाते हैं, लेकिन अक्सर देखते हैं कि फैक्ट्री में से सामान चोरी हो रहा है। हाँ जी कहाँ से कौन लेके जा रहा पता नहीं चल जी रहा, तो इसका रीजन वास्तु से रिलेटेड क्या होता है? कई बार फैक्ट्रीज में देखने में आया है कि पिलफरेज की प्रॉब्लम होती है, चोरी चकारी की प्रॉब्लम होती है, और अक्सर हमारी अपनी लेबर इसके लिए जिम्मेदार होती है। आप चेक कीजिए कि आपके नॉर्थ वेस्ट के रॉन्ग जोन में कोई गेट तो नहीं है। ऐसा जनरली तब होता है जब हमारे नॉर्थ वेस्ट जोन में कोई बैक डोर या कोई भी एंट्री डोर गलत लोकेशन पे आ जाता है। जी जी यहाँ पर एक क्वेश्चन और आया हमारे पास कि किसी का अगर प्लॉट या फिर दुकान जी अगर टी पर हो, टी पॉइंट पर जी हो, तो क्या होता है? ये टी पॉइंट के जो प्लॉट्स होते हैं पूजा, बहुत प्रॉब्लमेटिक रहते हैं, और डिपेंड करता है कि आपकी टी पॉइंट की रोड किस तरफ से आ रही है। अगर आपकी टी पॉइंट की रोड नॉर्थ या ईस्ट की तरफ से आ रही है तो ये इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं होता, लेकिन अगर आपकी टी पॉइंट की रोड साउथ, साउथ वेस्ट या साउथ ईस्ट से आ जाती है तो ये आपके लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है, और रिफ्लेक्टर्स और यंत्रों के द्वारा इसका करेक्शन होना बहुत जरूरी है। जी एक मिस्टर जसमीत सिंह का हमारे पास मैसेज आया है, जी मतलब मेल आया है। उनका कहना यह है कि वो एक कोल्ड स्टोरेज बनाने का प्लान कर रहे जी हैं, जी तो क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए? जसमीत जी, आपने कुछ बताया नहीं है कि आपकी फेसिंग वगैरह क्या है, बट कोल्ड स्टोरेज में जो आपका मेन स्टोरेज हॉल है उसको आप साउथ वेस्ट की तरफ लें तो बेस्ट है। और वैसे तो कोई खिड़की दरवाजे कोल्ड स्टोरेज में होते नहीं है, बट आप कोशिश करें कि आपके हॉल की एंट्री नॉर्थ ईस्ट की तरफ से आए। आपका टैंक कंडेंसर आप नॉर्थ की तरफ ले सकते हैं, अंडरग्राउंड वाटर बॉडीज नॉर्थ ईस्ट में ले सकते हैं, ओवरहेड टैंक वेस्ट में ले सकते हैं। और वास्तु एक साइंस है जिसके पास आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। डॉक्टर वैशाली गुप्ता से अपने घर, ऑफिस या फैक्ट्री की ऑनलाइन कंसल्टेंसी, मैप मेकिंग या वास्तु विजिट के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉन्टेक्ट करें।